हेलो जी। हेलो। आज जी 31st है और शाम के बजे हैं 3, दोपहर के बज रहे हैं 3, 3:30 कुछ टाइम है। और मैं जा रही हूँ मेरे पेज के एक मेंबर को मिलने के लिए, जो कि भाई बहन दोस्त जिनको मैं बोलती हूँ। उनका नाम है जी मनचंदा, उनका सरनेम है मनचंदा, सुनीता से सरनेम है। वो मेरे ही एरिया में रहती हैं और आज उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनको ऐसे ही बोला कि इस महीने मुझे प्लान करना है कि मैं बॉम्बे के लोगों को मिलने वाली हूँ, अपने पेज के सब जो लोग भी मिलना चाहते हैं उनके घरों में जाऊंगी, उनको मिलूंगी। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे नासिक जाना है। और नेक्स्ट वीक थोड़ी देर के बाद उनका फिर से फोन आ गया कि अगर आप जल्दी अभी आ सकते हैं तो हम लेट जाऊंगी, लेकिन आप आ जाओ। तो मेरा क्या, मैं तो इस उम्मीद में रहती हूँ कि मैं कहीं मिलूं, कहीं जाऊं, आप लोग से वीडियो बनाऊं। तो बस उनका फोन आते ही मैं फटाफट तैयार हुई, क्योंकि मेरा कल 2 साल पूरे हो रहे मेरे वीडियो बनाने को। तो इससे अच्छा मौका और क्या होगा कि मेरे पेज को मुझे देखने वाले, मेरे फेसबुक में जो मुझे मेरे वीडियो देखते हैं उनका मुझे कॉल आ जाए घर पे आई और मैं जाऊँ ना। फटाफट उठी, बस ड्रेस चेंज की और रेडी हो गई। मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पे हैं जी, बस पहुँचने वाली उनके घर पे, जाके उनका रिएक्शन दिखाऊंगी, उनसे मिलूंगी, बातें करूंगी और ब्लेसिंग दूंगी। चलिए उनके घर पे जाके आपको लगाती हूँ वापिस कॉल, वापिस वीडियो शेयर करती हूँ। आई मीन चलते हैं अभी। चलो जी, पहुँच गए हम लोग उनकी बिल्डिंग। हेलो, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रिचा है। रिचा, उनकी छोटी बहू। ओह अच्छा जी, मेरा कैमरा ऑन रहेगा क्योंकि मुझे फेस पे वीडियो डालना है। तो फिर रिएक्शन, थैंक यू। लेट तो नहीं हुई मैं? नहीं नहीं। हेलो जी, वेलकम जी, वेलकम। हेलो जी, मनचंदा जी है ना जी? मनचंदा। और आप? माय नेम इज राखी। राखी जी, चलो जी पहुंच गए। लेट तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं जी, बैठो। ये पहले आप करो मुंह मीठा। थैंक यू। क्योंकि मेरे 2 साल पूरे हो रहे हैं वीडियो को। अच्छा, कल 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। हाँ, आपने हाँ। बुला लिया और ये खुशी मुझे कि लगा चलो किसी के थ्रू मैं मिठाई खिलाऊंगी और मुझे अच्छा लगा। आप सब लोग खोल के मुंह मीठा कीजिए। कल 1 तारीख को मेरा 2 साल पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। पहुंच गई जी मैं सुनीता मनचंदा जी के घर पे और करेंगे जल्दी से मुंह मीठा पहले पहले, क्योंकि कल 1 तारीख है, आज 31st है। जैसे मैंने पहले ही गाड़ी में बताया कि इनसे मिलके हम लोग मिठाई खाएंगे और वो खुशी मनाएंगे। ठीक है जी। कौन है आपकी सिस्टर? हाँ, मेरी कजन जी। मनचंदा जी के घर पे आई हूँ, उनकी सिस्टर जो मेरे से बात करनी है वीडियो कॉल पे। हम जो जो बातें करेंगे आप लोग सुनेंगे साथ में। हाँ जी बोलो जी, ठीक ठाक जी? नमस्ते जी। किधर रहते हो आप? थैंक यू जी, थैंक यू। देखो जी, नासिक से मेरे वीडियो देखते हैं। आपका नाम क्या है? ज्योति शेरगिल जी। आप भी वीडियो में दिखोगे, देखो है ना, क्योंकि आपने मेरे से वीडियो कॉल पे बात की। आप भी आ गए जो? नहीं नहीं, देखो जी आप, आपकी पूरी फैमिली मेरे साथ बैठी है जी। हेलो। अच्छा आप बताओ वीडियो में क्या नहीं अच्छा लगता जो मैं वो ठीक किया करूँ? अच्छा तो बताना ही है, ये भी बताना है क्या नहीं अच्छा लगता। मुझे तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, मेन तो वो जो पंजाबी टच रहे पे ना। वो तो जी पंजाबी है तो टच रह गई। थैंक यू जी, नासिक भी आऊंगी कभी। हाँ जरूर जरूर, नासिक आओगे तो हमें जरूर बताना। हाँ जी जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। थैंक यू जी। नहीं जी, मैं भी आप लोग के जैसी हूँ जी, बस थोड़ी सी प्यार बांटती हूँ, बस प्यार से तो सबको वही अच्छा लगता है। खाने तो सब लोग ही बनाते हैं घर पे है ना, सबके ही अच्छे होते हैं, बस थोड़ी बहुत खुश रहने के तरीके। हाँ पॉजिटिविटी तो देती है, मुझे पता है पॉजिटिविटी की बड़ी कमी है लोगों में ना, मुझे खुद होती है, मैं खुद अपने आप को देती हूँ फिर पॉजिटिव होती हूँ फिर आप लोग को देती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं तो साईं बाबा को, भगवान को यही शुक्रिया करती हूँ कि जो भी काम दिया उसको अच्छे से कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है जी। चलो जी, थैंक यू जी, जरूर आऊंगी आपके घर पे भी कभी, नासिक आई तो मिलूंगी पक्का।
ठीक है जी, ओके जी, बाय जी, बाय, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, बाय बाय जी, बाय, ओके सुनीता, हाँ ठीक है, देखो जी उनकी सिस्टर से ही बात हुई, हाँ जी जी, चलो जी बाय जी, बाय, थैंक यू, ओके जी, ओके जी, बाय। अच्छा बात बताओ, वीडियो में देखते हो और अभी देख रहे हो फोन पे, वैसा ही दिख रहे हो? सेम, चलो जी ठीक है जी, हाँ बनावटी पन तो नहीं, नेचुरल ना जी, इसीलिए सारे प्यार करते हैं, चलो जी, ओके जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू, चलो बाय। देखो जी सुनीता जी के साथ उनकी सिस्टर भी थी, सोने पे सुहागा हो गए जी मेरे साथ, है ना, और ये सुनीता जी की दोनों डॉक्टर ही ना, नहीं ये फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है, शी इज माय यंगर डॉक्टर, ओके ओके, आपका नाम क्या, एक बार फिर से बता दो। हाँ जी, मेरा नाम ऋचा है, ऋचा मच्छंदा। क्या करते हो ऋचा जी? मैं आईटीएम बिजनेस स्कूल है वहाँ पे मतलब हेड करती हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग। एक मिनट थोड़ा फोन आ रहा है, आज मैं लकीली छुट्टी पे थी, ओह, एंड इसी बहाने मुझे आपसे मिलने का भी मौका मिल गया, थैंक यू, थैंक यू, मुझे बहुत फॉर कमिंग, एंड वी रियली एंजॉय, मतलब मुझे तो मम्मी से ही पता चलते हैं, और हमने अभी रिसेंटली कुछ डिशेस भी ट्राई की है। कब से देखते हो वीडियो आप? बस हम हर बार सोचते थे कि ये ट्राई करेंगे, डिश करेंगे, बट ऐसा होता था कि कुछ रीजन से रह जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली हमने कुछ डिशेस ट्राई किए, अच्छी तो थी बट उनमें प्यार बहुत था क्योंकि आपकी रिकमेंडेड डिशेस थी, प्यार भी और सिंपल भी होती थी, अच्छी सिंपल भी होती है, डिश है लेकिन आपके बनाने के तरीके से हमने बहुत ही मजे से खाई वो, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टिप्स, अभी तक बेटा बोल रहा है कि मम्मी और बना दो, ये चीजें हैं मतलब छोटी छोटी हैं बट क्योंकि घी से ना आजकल जनरेशन डरती है, घी क्यों डाला, घी क्यों डाला, और मुझे सॉफ्ट चीजें अच्छी लगती है, मैंने कहा चलो भी ऐसे ही हर साल बनाती हूँ, मैं इसको लीक करती हूँ, नहीं आप ही आओगे भी, सबको आना भी कंपल्सरी, हाँ जी, अभी मेरा नाम राखी भोसले है, महाराष्ट्र, थोड़ा सा तेज बोली आएगा वैसे आएगा, मेरा नाम राखी भोसले, मैं महाराष्ट्र, बाय प्रोफेशन आई एम टीचर, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, और एक मैं स्पेशल एजुकेटर भी हूँ, स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनको भी सिखाती हूँ, सो दिस इज माय प्रोफेशन, और मैं उनके घर पे आती हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके, और मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की है रिसेंटली, ओके, तो अभी मुझे 3 महीने हो गए हैं, तो मैं ट्राई करूँ कि मैं कोशिश करूँ और जरूर कामयाब हो जाऊँ, धीरे धीरे, और मैं बहुत ज्यादा बात कर रही, तो आई फील कि मैं कर सकती हूँ, नहीं करना चाहिए बात करो, बात नहीं भी करते तो भी कोई भी काम करते करते वो आदमी ट्रेन हो जाता है, मैं सीख रही हूँ, देखते हूँ आगे कैसे होता है, अभी आप बोलेंगे, आप आपका तो प्रोग्राम में देखती हूँ क्योंकि मेरी आपसे बात हुई ना, आपको नजदीक से दिखाती हूँ, देखो जी अभी सब लोग नजदीक से दिखेंगे जी, सॉरी मैंने आपको बात करते करते कट कर दिया, कंप्लीट करो, नहीं मैं मेरे को लगा कर दिया, नहीं ठीक है जी, चलो जी बोलो, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी है, और रेसिपीज भी बहुत सिंपल एंड वेरी गुड, मैं ट्राई करती रहती हूँ, चलो जी जरूर किया कीजिए जी, थैंक यू वेरी मच, मैंने तो बोला था मैं आपके घर पे आऊंगी तो कुछ बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊंगी आज तो बहुत जल्दी हुआ, और मुझे भी जल्दी घर जाना जी, थैंक यू वेरी मच जी, सब लोग वीडियो प्यार से देखिए, और अभी हम पियेंगे थोड़ी सी चाय, और फिर टाटा बाय बाय, प्यार से वीडियो देखते रहिए, ये तो ये देखो जी यही प्यार है, जब मैं हर बार बोलती हूँ, 2 बार दिल्ली गई, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात शेयर मैंने पहले भी आपको गाड़ी में कर दी है कि मेरे बॉम्बे से हैं और मेरे घर के नजदीक है, तो अभी मेरे वीडियो शुरू हो जाएंगे आपको सब, कि जो मेरे भाई बहन दोस्त जो बॉम्बे रहते हैं वो सब लोग मिल सकते हैं, अभी नंबर आ गया है बॉम्बे के लोगों का, तो फर्स्ट वीडियो सुनीता जी के साथ, मैं नाम भूल जाती हूँ जी, आप सबको पता है फ्रॉम खारगढ़ से, जो कि मेरे घर के बहुत ही नजदीक है, तो हमने मिठाई भी खा ली, और आप मुझे ब्लेसिंग भी दो भाई, 2 साल पूरे हो गए हैं आगे, और हाँ जी मुबारक भी देनी है, ब्लेसिंग भी देनी है कि हम ऐसे ही मेहनत करते रहे, है ना, मैं सोचती हूँ, है ना, आप तो यंग बच्चे हो ना, सब यंग बच्चों को मैं ही समझाना चाहती हूँ
कि हमको जो रास्ता भगवान देते हैं ना हमको उस पर चलना है, बस मेहनत करनी है, डरना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है, तो अपने आप रास्ते भी खुल जाते हैं, हम मेहनत भी कर सकते हैं। तो हमारी खुशी का जो कल का दिन है, आज हमने मिठाई खा के ले, ये डब्बा जरा पकड़ा रहे, हाँ जी। तो आप सब भी मेरी तरफ से मिठाई तो मैं फोन के थ्रू ही खिला सकती हूँ जी कल की मिठाई आप सब लोग खाइए, हमने तो खा ली काजू कतली, आप भी मेरी तरफ से खाइए और खुश रहिए, मस्त रहिए और प्यारे प्यारे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, बाय बाय। चलो सुनीता जी थैंक यू जी, थैंक यू, अभी चाय पिलाइए फिर मैं जाऊंगी। आ जाओ आप भी आ जाओ, लेकिन अच्छा व्लॉगिंग के टाइम ये इसे ऐसे रखना है या ऐसे रखना है? मैं सीधा ही रखती हूँ, और मैं मुझे नहीं वो यूट्यूब में ऐसे आते, मैं कभी आड़ा नहीं रखती। मैं आपके घर पे आई हूँ अभी, इतना सडनली प्रोग्राम बना, बट मैं फिर भी कुछ ना कुछ, आपको पता है वीडियो अगर देखते हो तो मैं कुछ ना कुछ ब्लेसिंग कोई ना कोई छोटी चीज देती हूँ, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए, देखो जी ठीक है, आपके लिए भी है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच आंटी, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आज क्योंकि आपके घर पे आई और है बहुत छोटी सी चीज है, बट वो ऐसी चीज है कि नहीं नहीं आप खोल के देखो, पहले आप खोल के देखो, खोलो क्योंकि आप इसको आपके घर पे हमेशा छोटे छोटे दीपक हैं, अच्छा, जो कि रोशनी देंगे और ये प्यारी सी हाँ मंदिर में यूज करेंगे। देखो ये यस ये बेल है, आप बजाओ ये बेल है, ये छोटी छोटी बेल ना आप मंदिर में बजाना, पॉजिटिविटी हाँ आपके घर पे पॉजिटिविटी रहे। ये मैं छोटे छोटे आपके लिए लाई हूँ, ब्लेसिंग है जी, मेरी सब ब्लेसिंग होती थी, और आपको मिलूंगी दोबारा तो आपके लिए भी लेके आऊंगी पक्का। नहीं नहीं फिर भी मुझे तो आपको ही पता था मैं रख लाती, क्योंकि मैं मैंने ये चीजें कुछ ना कुछ देती हूँ, दिल्ली गई थी तो मैंने वो खजाना वो सब दिए थे, अगर आपने देखे होंगे वो मेरी डॉटर का भी पेज है ना, वो सब चीजें तो सेल करती है, खैर की लॉकर की जैसी या वो कोडियां आती थी ना पहले, कोडियां वो सब चीजें वो बना के देती है ऐसा, तो मैंने दिल्ली में वो दिए थे, इस बार आपके लिए लाई हूँ कि आप अपने घर में हमेशा रोशनी रहे, खुशियाँ रहे और आप लोग खुश रहे, और ये बेल कभी भी आप मंदिर में बजा सकते हैं, नहीं कैन हैंग आल्सो, हाँ हैंग भी कर सकते हैं हाँ। तो छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और प्यारे प्यारे वीडियो देखा कीजिए। जी पूछो क्या पूछना चाहते हो? क्वेश्चन नहीं ऐसे ही हाँ। बस आपसे क्योंकि लाइव मिलने का मौका मिला है हाँ। मैं बस पूछना चाहती हूँ, जैसे मेरी डॉटर है अभी 4 इयर्स प्लस हो गई है हाँ जी, तो ऐसे कोई न्यूट्रिशन की ऐसी कोई कमी नहीं है, बट समथिंग जो आप रिकमेंड करोगे जो अब से शुरू करूँ तो मैं हमेशा उसको। कितने 4 साल की है? हाँ 4 साल की। तो एक तो सबसे पहले उनको अगर आप नहीं कभी दिया तो रागी पाउडर दिया, रागी जो होती है नाचनी हाँ जी, वो जरूर देनी बच्चों को। अपने साउथ में देखो हमेशा पैदा होती पहली डिश वो नाचनी की देते हैं। अच्छा, अभी तक आपने नहीं दी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग ज्यादातर इधर नहीं देते हैं, बट वो बहुत हेल्दी है क्योंकि वो खाने से क्या आएगा उसकी बोन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, कोई कमी अंदर रहेगी ना, उसमें सब कुछ है। आप नाचनी का पाउडर रखो मिक्स करके, उसका हलवा बना के दो, नहीं तो जो भी आप जैसे हाँ हल्का सा खीर जैसी बना के दे सकते हो, रोटी देनी तो भी उसको दो, आटे में मिक्स करके दो, वो जरूरी देना बच्चों को। बाकी तो फ्रूट जो देना ही देना है वो दीजिए, और सब्जियां दीजिए ज्यादा, क्योंकि बच्चों को तो आप यूट्यूब में कहीं भी आप सर्च देखो ना वीडियो, फॉरन में बच्चों को खिलाते हैं आजकल, तो हमारे अंग्रेज लोग इतने समझदार हो गए कि वो हर समय ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, बच्चों के आगे बिस्किट रखने से अच्छा बाजार की चीजें उनके आगे ब्रोकली सोटे करके रखो वो दो, ताकि उनको आदत पड़ेगी, फिर काट के कर गाजर खानी खानी, आप खुद खाओगे तो वो भी खाएंगे, बस यही हेल्दी चीज। मेरा भी छोटा पोता है उसके लिए देखो खीर खिचड़ी बनाती हूँ, जो बहू को सिखा दिया कि उसमें गाजर जरूर डालनी है, गोभी जरूर डाल, जो चीज खाते हैं वो थोड़ी थोड़ी खिला दो मैश करके, नहीं विसल लगा लो ना, काटो और फटाफट विसल लगाओ और मैश करके बस खिला दो, उसमें पता भी नहीं लगे बच्चे बहुत प्यार। हाँ लेकिन नाचनी मेरे हिसाब से वो हम लोगों के घरों में कम देते हैं, तो नाचनी का आटा जरूर दो, बाकी सारे फ्रूट की आदत डालो खाने के लिए, सबसे बेस्ट वही है, उससे क्या बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी मखाने घर पे ही बना के वो दो, नमकीन सी बना के ना फ्राई करके बस वो, जैसे मैं तो पाउडर कल मैंने लाइव में भी दिखाया था कि अपना डब्बा, मैं तो मखाने भून के ना उसको पाउडर कर लेती हूँ, उसमें सेंगदाना डाल के कड़ी पत्ता हरी मिर्ची लहसुन सब, फिर उसका पाउडर बेस कर लेती हूँ, फिर वो नरम भी नहीं पड़ते, पाउडर खराब होता ही नहीं,
हाँ नरम हो जाता है। हाँ ये नरम हो जाता है ना, पाउडर कर लेंगे नहीं आते जाते दो चम्मच मुंह में डाल ली, जैसे शाम को चाय पी दो चम्मच वो पाउडर खा लिया, अच्छा लगता, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने कल लाइव में दिखाया था डब्बा कि आप लोग दिखाओ, देखो मेरी कबर्ड में पड़ा है ये क्या है, फिर नेक्स्ट लाइव में बनाऊंगी क्या है। तो बस ये मखाने और नाचनी ये जरूर बच्चों को दो खाने के लिए, बाकी फिर आप कभी भी फोन करके पूछ लेना। चलो जी, चलो जी, सुनीता जी बाय बाय जी, चलती हूँ अभी घर, बहुत अच्छा लगा जी। ओ ऐसा गिफ्ट आपके लिए, अरे जी मुझे भी गिफ्ट मिल गया जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। ये तकलीफ क्यों जी, आ जाओ जी, बहू जी आप भी आ जाओ। आपका नाम भूल गई मैं, मेरा नाम ऋचा है। ऋचा जी बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत मजा आया बातें करने को, अभी भी बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू। अभी फिर नेक्स्ट टाइम आऊंगी जब भी आपकी दूसरी वाली हाँ जी सुनीता जी की रितिका होगी ना, वो भी बहुत प्यारी है। चलो जी खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय जी, बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग, वेलकम वेलकम। जरूर अभी नेक्स्ट में भी आऊंगी और जब आप वीडियो कुछ खाना बनाओगे और मैं वीडियो बनाऊंगी पक्का, आज तो जल्दी था ना। ठीक है जी, चलो जी बाय बाय, ओके बाय बाय।